मध्य प्रदेश में लगातार जो है सड़क हादसा के जो है रुकाव नहीं हो लगा है। मध्य प्रदेश में लगातार सड़क हादसा दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हालात यह है कि एक थे कार जो है ऐसा दुर्घटनाग्रस्त है कि एक गहरा नाला जोने के लगभग जो है गहराई 40 फीट बताई जा रही, वो गहरा नाला में एक कार घुस गए, जोने में दो आदमी सवार रहे हैं। और यहाँ तक हालात है कि 12 घंटा बाद वह कार के ऊपरी सतह दिखाई पाई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। NDRF की टीम मौजूद है विंध्य क्षेत्र के। ये पहले बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचर का सब जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जो हम अपना प्रत्यक्ष बताई थी। मध्य प्रदेश के मंडला जिला में बड़ा हादसा हो गया। एक कार जो है बरगी बांध में बबईहा नाला में निर्माणाधीन पुलिस से गिर गए पुल से गिर गए और कार में दो लोग सवार रहे। घटना शनिवार रात 10:30 बजे के आए 12-12.5 घंटे बाद जो है कार का गोताखोर तलाश पाए हैं। कार का 1.5 घंटा बाद निकाला गया। कार एक दरवाजा खुला रहा और बचाव दल अब दोनों व्यक्ति जो हुआ कार मौजूद रहे उनके तलाश में जुटा है। बबईहा नाला की गहराई जो है 40 फीट है, ओमा 25-30 फीट पानी भरा है। मंडला जबलपुर नेशनल हाईवे पर निकली कार जो है बरगी डैम के कैचमेंट एरिया में लगे बबईहा नाला में पुल से गिर गए। कार जो है मंडला की ओर जा रही है। आसपास के लोग एकर सूचना पुलिस का दिन और पुलिस मौका में पहुंची। SDRF की टीम को बुलावा गया। गोताखोर और आसपास के लोग जो है मदद से नाला में तलाश शुरू की गए। रात के 3 बजे तक तलाश चली और रेस्क्यू बंद कर दिन गया। अपना पत्रक बताया दी कि रविवार सुबह 6 बजे दोबारा रेस्क्यू शुरू की गया और पानी जो है 25-30 फीट भरा हुए कारण रेस्क्यू परेशानी आई। 11 बजे जाके कार जो है नाला मिली। दोपहर 12:30 बजे कार का बाहर निकाला गया लेकिन कार में कोनो व्यक्ति नहीं मिला। घटना की सूचना के बाद दोपहर 1 बजे करीब परिजन मंडला के नारायणगंज में पद्मी गांव से मौका में पहुंचे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि कार जो है MPB CJ 4999 के वाहन मालिक विष्णु प्रधान के साथ जो है एक अन्य युवक आदर्श मांडवे सवार रहे। एक बाद जो है बचाव दल नाला में दोनों के तलाश शुरू कर दी थी। मौका में जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेश मिश्र सहित पुलिस बल बचाव कर्मी बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि पिछले 6 वर्षों से निर्माणाधीन मंडला जबलपुर हाईवे में लगातार हादसा हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार के या कुप्रबंधन के नतीजा है कि सड़क में हादसा लगातार हो रहे हैं। चाहे कोनो हादसा की बात करी लगातार जो है सरकार के जो है कमी हमेशा सामने आवती, चाहे सीधी के सड़क हादसा की बात हो चाहे या अभी बीच में सागर में जो एक सड़क हादसा भा ऑटो में 13 लोगों के दुखद निधन भा, अब यह एक सड़क हादसा की जो कहो वह खराब सड़क के चलते लगातार उठे सड़क हादसा हो रहे हैं किंतु सरकार की नींद नहीं खुल रही है। जरूरी है कि सड़क हादसा का पूरी तरह से ध्यान की जाए और सड़कन का व्यवस्थित की जाए, नहीं तो यह में आए दिन दुर्घटना हो रही और लोगन के बेशकीमती जीवन यह में जात रही। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।